पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करप्शन का बाजार गर्म कर दिया स्पोर्ट्स की एक सीट पर पांच से दस लाख रुपए रिश्वत लेकर चार उम्मीदवारों के दाखिले कर दिए दाखिला मुशतबा सलीम सदाम फरीद और मोहम्मद सुलेमान इजाज शामिल हैं पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजाम ने मेरट पर आने वाले गरीब तलबा की हक तलफी करते हुए अमीर जादों के बेटों के दाखिले कर डाले जबकि मेरठ पर आने वाले हकीकी तलबा का मुस्तबिल दाव पर लगा दिया पंजाब यूनिवर्सिटी में न सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बल्कि तमाम शोबों में दाखिलों के वक्त रिश्वत और करप्शन का बाजार गर्म रहता है पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होने वाली करप्शन के बारे में लालहमी का इजहार कर दिया ट्रायल होते हैं और वहां पे जो स्पोर्ट्स बेसिस पे गेम्स की परफॉर्मेंस पे तो उनको सिलेक्ट किया जाता है और ये जो बात आपसे मैंने तो नहीं सुनी किसी और से तो आपसे सुनने में आ रही है कि पैसे लेके एडमिशन किए जाते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर नाहल लोगों के को ना कोई नाहल होगा ना जो पैसे देने को तैयार होगा तो फिर ये इतने सारे गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी में कैसे आ जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ करप्शन बल्कि तशद डिकेती और मोबाइल छीनने की वारदातें मामूल बन चुकी हैं जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है जब तक तलीमी इदारों में करप्शन का बाजार गर्म और मेरट की धज्जियाँ उठती रहेंगी मुलक तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता हकूमती सतह पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ मौसर इकदाम करने की जरूरत है कैमरामैन अदील चौधरी के साथ मोहम्मद शाहिद चौधरी न्यूज़ फाइव लाहौर